प्रणाम सुंदर साथ जी। आज इस ई गोष्ठी के माध्यम से मैं सभी निजानंद समाज के युवा वर्ग को संबोधित करना चाहूंगा। निजानंद समाज ही नहीं, आज इस देश का युवा एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ पश्चिम की चकाचौंध है, वेस्टर्न कल्चर है जो उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। हजारों वर्ष पहले चार्वाक ने एक सिद्धांत दिया था कि खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये सिद्धांत देखने में बड़ा अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा कि जो प्रमोशन, सैलरी, प्लेसमेंट, इस पूरे सिस्टम में एक युवा की सारी ऊर्जा लग जाती है। जो 10,000 कमाता है उसे लगता है कि जिस दिन 1,00,000 कमाऊंगा उस दिन आनंद होगा। जो 1,00,000 कमाता है उसे लगता है कि जिस दिन 10,00,000 कमाऊंगा उस दिन आनंद होगा। जो 10,00,000 कमाता है उसको लगता है कि जिस दिन 1,00,00,000 कमाऊंगा उस दिन आनंद होगा। लेकिन बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगता, जो भी युवा वर्ग मुझे सुन रहा होगा वो जानते होंगे कि बहुत जल्दी सबको समझ में आ जाता है कि दूर चमकती हुई रेत को पानी समझकर जो हम सब दौड़ते हैं, थोड़े ही समय में समझ में आ जाता है कि वो पानी नहीं है, वो केवल रेत ही रेत है। लेकिन इस तरह की मानसिकता, इस तरह का कंपटीशन, इस तरह का वातावरण अपने साथ अनेक मानसिक तनाव भी लेकर के आता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी 10 में से 7 लोग जो है वो किसी ना किसी मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं। और आजकल तो भारत देश में भी कई बार सुंदर साथ मुझसे कहते हैं किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, मैनिया हो रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी मानसिक रूप से ग्रसित है। जब जब मानसिक स्थिति कमजोर होती है, इस तरह से मन मानसिक बीमारियों का शिकार होता है, तो उसके सामने दो ही विकल्प दिखाई देते हैं। या तो वो किसी ना किसी नशे का सहारा लेता है या फिर आत्महत्या जैसे प्रयास करता है। यदि किसी के जीवन में धार्मिक संस्कार हो, परिवार से उसे कुछ धार्मिक संस्कार मिले हो, तो उसके मन में कहीं ना कहीं धर्म के लिए एक जिज्ञासा अवश्य रहती है। वो धर्म रूपी दूसरी पगडंडी, दूसरे राह को भी देखता है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत देश का कि आज भारत देश में धर्म के नाम पर केवल कुछ रूढ़िवादिताएं, कुछ परंपराएं, कुछ अंधविश्वास, कुछ रीतियां चली आ रही हैं और भारत बस उसको एक गठरी की तरह ढो रहा है। कई बार देख करके आश्चर्य होता है कि जो देश पतंजलि जैसे ऋषि की कर्म भूमि रहा, जिस देश में पतंजलि ने अष्टांग योग को प्रकट किया, जिस देश में शंकर जैसे आदि योगी महायोगी हुए, उस देश का युवा आज शंकर के नाम पर भांग पी रहा है, चरस खा रहा है और डीजे बजा बजा करके नाच रहा है। कितना शोचनीय है कि जिस देश में वेदांत रूपी ज्ञान की गंगा व्यास ने बहाई हो, उस देश का अधिकतर से ज्यादा आबादी जो है एक स्थूल गंगा में ही नहाकर अपने आप को कृतार्थ समझ रही है। जिस देश में कपिल, पाणिनी, जैमिनी जैसे महान दार्शनिक हुए, जिन्होंने अध्यात्म के गहरे विषयों पर गहन चर्चा की, एक दर्शन समाज के सामने प्रस्तुत किया, आज उस भारत देश में दर्शन को जानने वाला कोई नहीं और धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर केवल कुछ रूढ़िवादिताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही कुरीतियां हैं जिनको ये समाज बस धर्म के नाम पर ढोए जा रहा है। सोचिए, जिस देश में गौतम, जिस देश ने ऐसा सुनहरा अवसर भी देखा जब गौतम और बुद्ध के जैसे करुणावान, पवित्र हृदय वाले पुरुष इस भारत भूमि पर विचरते थे, लेकिन आज उसी देश में धर्म के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, ऊंचे संस्थानों पर बैठे हैं,
उन्होंने हिंसा की सारी हदें पार कर दी। युवा जब इसको देखता है तो उसको लगता है कि क्या यही धर्म की परिभाषा है। उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानम अमृतम ब्रह्म, कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, क्या यही अमृत है। उपनिषद कहता है कि रसो वही सा रसम ही एव लब्धवा आनंदी भवती, कि वो रस का सागर है और जो उस रस सागर का पान करता है वो आनंद को प्राप्त होता है। युवा के मन में विचार आता है क्या यही रूढ़िवादिताएं, यही अंधविश्वास, यही परंपराएं रस का सागर है। वो धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म का उपहास उड़ाता है। मेरा मानना है कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं। निजानंद समाज भेसर जी ने हमें जो ये वाणी दी है, ये जो सत्य ज्ञान दिया है, यदि कोई भी गहरी दृष्टि से अवलोकन करेगा तो उसका हृदय यह जरूर गवाही देगा कि तारतम वाणी धर्म के यथार्थ मायने को समाज के सामने प्रस्तुत करने का साहस रखती है, उसमें वो क्षमता है। जो आज कर्मकांड चारों तरफ आप देख रहे हैं, मध्यकालीन भारत में जब सृजी का प्रकटन हुआ उस समय भी चारों तरफ इसी कर्मकांड की आंधी चल रही थी। ये जो जादू टोना भविष्य बताने वाले, सृजी के समय भी बिल्कुल ऐसा था। कोई अपने केश को, जटाओं को बढ़ाए बैठा है, कोई जिस किसी ने अपने बालों को नोच नोच करके सिर मुंडा लिया, कोई योगारंभ कर रहा है, कोई संस्कृत ज्ञान को ही हासिल करने में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझ रहा है, कोई गले में 100 माला डाल करके बैठा है, कोई द्वादशी के व्रत कर रहा है, कोई दिन में 7 बार स्नान करता है, कोई रसोई में 4 बार चौका देता है। ऐसी चारों तरफ बाह्य पूजा, कर्म कांड, जड़ पूजा की आंधी चल रही है, लेकिन उस आंधी में भी सृजी की वाणी गर्जना करती है। सृजी कहते हैं कि 100 माला वाओ गले में, द्वादश करो 10 बेर, 4 बार चौका देव, 7 बेर स्नान करो, उच्छव करो अन्नकूट को, तान मान कई रंग करो, 7 बेर स्नान करो, 4 बेर चौका देव, सीखो सभे संस्कृत, साधो सभे जोगारम। सृजी ने सबको ललकार करके कहा कि तुम चैन ऊपर के कई करो पर छूटत नहीं विकार। पर क्यों यह छूटत विकार, कि जब तक धर्म का केंद्र केवल बाह्य पूजा रहेगी, जब तक धर्म का केंद्र केवल बाह्य कर्म कांड रहेगा, उससे किसी की भी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती। और जब तक किसी की आत्मा निर्मल नहीं होती, जब तक ज्ञान, सत्य ज्ञान का हृदय में प्रकाश नहीं होता, जब तक ज्ञान की सुगंधि हृदय में प्रवेश नहीं करती, प्रेम की धारा हृदय में नहीं बहती, तब तक कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने उस ब्रह्म को पा लिया, मैंने उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर। यो न कहियो कोई जन धनी पाया इसको बिन। सृजी ने सारे धर्म के मायने को उलट दिया। जो धर्म बहिर्मुखी बन चुका था, सृजी ने उसे अंतर्मुखी बनने पर जोर दिया। सृजी की वाणी ने सबको निष्काम कर्म की शिक्षा दी। सृजी की वाणी ने सबको संबोधित किया कि भले ही इस संसार में निष्काम कर्म से जियो, लेकिन इस संसार से परे कोई है जिसे पा लेने के बाद इस संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। सृजी की आत्मा हर किसी को यही संदेश देती थी कि ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, कि असत से परे जो सत्य है, तमस से परे जो प्रकाशमान है, और मृत्यु से परे जो अमृत का सागर है, अपनी आत्मा को उसकी तरफ मोड़ चलो, उसका साक्षात्कार करो, उसका दीदार करो। सृजी ने हर तरह की बाह्य पूजा, कर्म कांड, संप्रदायवाद को तोड़ा। आज सारा संसार वर्तमान समय में भी संप्रदाय में बट रहा है, पूरे भारत में संप्रदायवाद की आंधी चल रही है, धर्म के नाम पर कट्टरता फैल रही है, देश जातियों में बटता है, स्त्री पुरुष में बटता है। आज से 400 साल पहले सृजी ने इस देश को, इस संसार को ऐसा मंत्र दिया जो इन सभी द्वेषों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है।
श्री जी ने जातिवाद से ऊपर उठकर, स्त्री पुरुष से ऊपर उठकर, वर्गवाद से ऊपर उठकर, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर उस एक अद्वैत पुरुष, उत्तम पुरुष साहेब की पहचान कराई है, जिसको पहचान करने के बाद, जिसको पाने के बाद संसार के सारे झगड़े समाप्त हो जाते। निजानंद समाज का जो युवा वर्ग है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि आप दिन में से 24 घंटे में से कुछ ना कुछ समय ऐसा निकालिए जिसपे आप तारतम वाणी को पढ़ें। आप तारतम वाणी के ग्रंथों को, इन चौपाइयों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सरल साधारण हिंदुस्तानी भाषा में ये जो ज्ञान उतरा है, इसके अंदर अध्यात्म के वो रहस्य छिपे हैं जिसको पाकर के हृदय गवाही देता है कि यही सत्य स्वरूप है, यही ज्ञान स्वरूप है और यही ब्रह्म का आनंद स्वरूप है, जिसके बारे में उपनिषद ने कहा कि सत्यम ज्ञानम अमृतम ब्रह्म। आप इस वाणी को पढ़िए, आपके पास कितनी भी व्यस्तता है लेकिन आप थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए। आप प्रतिदिन तारतम वाणी को पढ़िए, हमारी तारतम वाणी के प्रति अटूट आस्था हो, हमारा श्री जी के प्रति अटूट समर्पण हो। आप ये विचार कीजिए कि आज पूरा देश धर्म के नाम पर किस खाई में गिरता जा रहा है, लेकिन श्री जी एक हमारे रहनुमा बनकर के आए हैं जिन्होंने हम सभी के हाथ पकड़ करके हमें सत्य ज्ञान की राह दिखाई। तारतम वाणी कहती है कि जन्म अंधी जे हम होते सो तुम देखी देखी। जैसे एक गांव में सब अंधे थे और हर कोई दीवार में ठोकर खा रहा है, हर कोई गड्ढे में दिख रहा है, उस गांव में एक व्यक्ति आता है जो देखता है कि गांव के लोग बेचारे कितने परेशान हैं, सबको दृष्टि देता है। जिस दिन दृष्टि मिलती है तब वो देखते हैं कि हम किस अवस्था में थे, कहां हम एक एक दूसरे के अंदर दीवारों से टक्कर खा रहे थे, गड्ढों में दिख रहे थे। अहो भाग्य हमारा, किसी ने हमें दृष्टि प्रदान की। तारतम वाणी कहती है कि जन्म अंधी जे हम होते सो तुम देखी देखी। आपने हमें दृष्टि दी है, किन बदबोए में होते अब आई कौन खुशबोए। कि समाज के ईर्षा द्वेष न जाने कैसी बदबोए में हम जी रहे थे, आपने हमें धाम की सुगत दी थी, आपने हमें आनंद से परिचय कराया, आपने हमें ब्रह्म के सत्य स्वरूप का बोध कराया। ये सृजी की हमारे ऊपर बहुत अपार मेहर है और मैं हृदय से ये कहता हूं कि हम सब ऋणी हैं उनके। हमें ये प्रतिपल भान रहे कि जो मुझे सौभाग्य मिला है, जो मुझे मेरे सिर पर एक ऋण है, मैं इस ऋण को कैसे उतारूं। 24 घंटे में आपके हृदय में कभी ना कभी ये विचार अवश्य आए कि मैं इस ऋण को उतारने के लिए क्या कर रहा हूं। यदि आपके पास सामर्थ्य है, यदि आपको राज्य ने बौद्धिक क्षमता दी है, आप इस सत्य रूपी ज्ञान को संसार में फैलाइए। यदि आपके पास आर्थिक सहायक सामर्थ्य है तो आप अर्थ से सेवा कीजिए, लेकिन किसी न किसी रूप में आपके हृदय में प्रतिपल ये भाव रहे कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मैं भी निजानंद के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को निभाऊं, मैं भी अपनी भागीदारी को निश्चित करूं। भले ही आप महंगे से महंगे वस्त्र पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने, आप महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमे, लेकिन आपको हमेशा ये स्मरण रहे कि एक दिन धर्म की रक्षा के लिए, इन सिद्धांतों की स्थापना के लिए श्री जी मंदसौर के अंदर धर्म की पताका हाथ में लिए चले थे, जब उनके पास केवल दो बर्तन और एक कमर पर गुदड़ी थी, एक तुम्बा हाथ में, दूजा तुम्बा कमर पर। यही श्री जी की संपत्ति है, लेकिन फिर भी निडर है और इतने आनंद से आगे बढ़ रहे। आप घर में 10 तरह के व्यंजन बनाइए, 5 स्टार 5 स्टार होटल्स में जाकर के आप भोजन कीजिए, लेकिन आपके हृदय में ये भान अवश्य रहे कि एक दिन इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए, एक दिन इसी धर्म की पताका को लेकर के श्री जी जब मंदसौर से चले थे तो उन्होंने, सुंदर सात ने गांव और शहर के लोगों से भिक्षा मांग मांग करके भी भोजन किया था।
भले ही हम छुट्टियां मनाने के लिए कहीं पर भी जाएं, संसार के भोगों को भोगें, राज्य ने आपको धन दिया है, राज्य ने आपको यदि सामर्थ्य दिया है, आप खर्च कीजिए, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या माया की आंधी है, 14 साल की उम्र में देवचंद्र जी के हृदय में ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है कि वो उनको घर छोड़ने पर मजबूर करता है, और हम 40, 60, 100 बरस के भी हो गए, लेकिन हमारे मन में कभी ये इच्छा भी नहीं आती कि हम 1 घंटे के लिए ही सही संसार को छोड़ करके अपने आत्मस्वरूप में रमें। मैं निजानंद समाज की बहनों और महिलाओं से भी कहना चाहूंगा कि आपके सिर पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और नारी नारी तो जननी है, नारी को निर्मात्री कहा है। आप विचार कीजिए कि विष्णु के 24 अवतार भी इसी नारी के गर्भ से ही संसार में आए, बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, सभी को इसी नारी को गर्भ में धारण करना पड़ा है। नारी जीवन को देने वाली है, नारी निर्मात्री है, नारी निर्माण करती है एक वीर का। लेकिन हम इस बात को भी सदैव स्मरण रखें कि प्रहलाद को जन्म देने के लिए कोई कयाधु जैसी माता ही चाहिए, केवल एक कयाधु ही प्रहलाद को जन्म दे सकती है, कोई साधारण स्त्री ऐसा कार्य नहीं कर सकती। शुभद्रांगी ही है जो एक साधारण से बालक अशोक को सम्राट अशोक बनाने का सामर्थ्य लिए बैठी है। जब राम वनवास में जा रहे थे, राम को वनवास मिला, राम जाने से पहले चारों माताओं के सामने है, हाथ जोड़ करके सबको निवेदन कर रहे हैं, सबके आशीष ले रहे हैं। राम की माँ कौशल्या वहां पर खड़ी है। कौशल्या राम से कहती है कि राम, इंद्र तेरी रक्षा करे, वरुण तेरी रक्षा करे, पांचों तत्व तेरी रक्षा करे, दसों दिशाएं तेरी रक्षा करे, जो जो भी तेरी रक्षा करेगा मैं उसका एक एक दीपक इस राजमहल में जलाऊंगी। लेकिन राम, तुम एक बात को सदैव याद रखना, तुम ये मत सोचना कि जंगल में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, तुम कभी भयभीत मत होना कि तुम्हें जंगल में रास्ता कौन दिखाएगा। आज धर्म के लिए तूने इस राज सिंहासन, इस राजभवन को छोड़ा है, तो वो धर्म उस वन में भी तेरी रक्षा करेगा, ये धर्म तुझे रास्ता दिखाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, आज तू धर्म की रक्षा के लिए राजभवन छोड़ रहा है, ये धर्म भी राजभवन को छोड़ करके वन में तेरी रक्षा के लिए आए। कौशल्या कहती है कि जाने से पहले सबसे पहला आशीर्वाद तू अपनी मां कैकेयी से ले। ये कहने के लिए, ऐसी अवस्था में ऐसा संदेश देने के लिए बहुत बड़े सामर्थ्य की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ा दिल चाहिए जो कौशल्या के पास है। और इतिहास साक्षी रहेगा कि जब जब कौशल्या जैसी मां पैदा होगी, राम के जैसा चरित्र निर्मित होगा ही होगा, जो गली गली देश देश में पूजा जाए। गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध सब छोड़ करके संन्यास लेते हैं, उनकी पत्नी है यशोधरा, कपिल वस्तु के राजकुमार है, सब कुछ छोड़ करके यशोधरा को बिना बताए संन्यास के लिए वन में चले जाते हैं। और जातक कथाएं कहती हैं कि जिस दिन बुद्ध ने घर छोड़ा, उसी दिन उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रोहित था। यशोधरा एक शतरानी है, यशोधरा कविताएं भी लिखती है, यशोधरा ने कई कविताएं लिखी, 7 साल बुद्ध वन में रहे, यशोधरा ने कई कविताएं लिखी, लेकिन उसकी एक कविता आज पूरी नारी शक्ति के लिए एक उदाहरण बनकर के खड़ी है। यशोधरा अपनी सहेली से कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, कि ये बहुत गौरव की बात है कि जो मेरे स्वामी है वो परमात्मा की खोज में गए हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, लेकिन चोरी चोरी गए, यही बड़ा आघात। लेकिन वो चोरी चोरी चले गए, मुझे बस यही बात बड़ी खलती है। सखीरी मुझसे कह कर जाते,
कितना सुंदर होता यदि वो मुझे कह कर जाते, सखी रे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हम तो वो राजपूत, वो शतरानियां हैं जो अपने स्वामी को, अपने पति को रणभूमि में भी भेजती हैं, तो उनका चंदन कर कर भेजती हैं कि जीतो, वीर गति को प्राप्त हो जाना, लेकिन हार करके महल में मत लौटना। मेरे पति मुझसे कहते तो सही कि मैं उसकी खोज में जा रहा हूं। पूरा कपिल वस्तु देखता कि यशोधरा अपने पति को वनवास के लिए भी तिलक लगा करके भेजती और बड़े आनंद मंगल के साथ विदा करती, लेकिन गौतम सिद्धार्थ ने मुझसे ये शोभा छीन ली। देखिए कितनी ऊंची बात है। और गौतम सिद्धार्थ जब बुद्ध बन करके लौट करके आए, सबसे पहली भिक्षा उन्होंने यशोधरा से मांगी कि भिक्षा हम देगी। जानते हैं यशोधरा ने क्या किया? यशोधरा ने सोचा कि मेरे पास तो मेरा एक पुत्र है रोहित, उसने वो भी गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को भिक्षा में दे दी। ये इस देश की महान स्त्रियां हैं। मैं सभी माताओं से, सभी बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आपने बीतक को भी कई बार सुना होगा, बीतक के प्रसंगों को देखा होगा। बीतक में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, फूलबाई हो, तेज कुंवरी बाई हो, राधा बहन हो, रूपा बहन हो, तेज बाई हो, क्या इनके पुरुषार्थ और क्या इनके चरित्र आपके हृदय पर चोट नहीं करते? नौतनपुरी के अंदर जब एक सुंदर सात को बिहारी जी सुंदर सात से निष्कासित कर देते हैं, 7 दिन तक वो सुंदर सात बिहारी जी के दरवाजे पर बैठा रहता है। सोचिए बिहारी जी के हृदय में कितनी घृणा है, कितनी कठोरता है। पंजाबी में एक कहावत कही जाती है कि नीचा दी अशनाई को लो फैज किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्मा है। कि कीकर की बेल पर यदि अंगूर, कीकर के पेड़ पर यदि बेल, अंगूर की बेल को चढ़ा दिया जाए तो उस अंगूर की बेल का हर गुच्छा जख्मी होता है। और जब जब बिहारी जी जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति ऐसे ऊंचे स्थानों पर बैठेंगे, सुंदर साथ, प्रत्येक सुंदर साथ को जख्मी होना पड़े। 7 दिन तक वो सुंदर साथ जो है बिहारी जी के दरवाजे पर भूखा प्यासा बैठा है। नौतनपुरी में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सुंदर सात को अपने घर बुला करके भोजन कराए, पानी दे। लेकिन एक महिला खड़ी होती है जिसका नाम है फूलबाई। फूलबाई ने ये सामर्थ्य जताया है जो नौतनपुरी के किसी पुरुष के पास उस समय नहीं था। सभी डरे हैं बिहारी जी की कठोरता से, सभी को बड़ा भय लगता है, लेकिन फूलबाई के पास ऐसा सामर्थ्य कहां से आया? फूलबाई ने उसे भोजन कराया, फूलबाई ने उसे पानी पिलाया और 6 साल 6 महीने तक फूलबाई अपने घर में भूखी बैठी रही। फूलबाई ने अपने प्राण त्याग दी। फूलबाई से भी सुंदर सात ने कहा होगा कि बिहारी जी से क्षमा मांग लो, बिहारी जी से माफी मांग लो, कुछ समझौता हो सकता था। लेकिन फूलबाई ये जानती है कि सत्य भरणीय है, धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। फूलबाई इस समाज के लिए, समाज की महिलाओं के लिए एक आदर्श है, जिनके हृदय में फूल जैसी कोमलता तो है जिससे किसी भी सुंदर साथ का दुख नहीं देखा जाता, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प, उनकी धर्म के प्रति जो प्रायणता है वो इंद्र के व्रज से भी ज्यादा कठोर है। फूलबाई ने अपना जीवन दे दिया लेकिन धर्म के सिद्धांत के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया, और क्षण भर के लिए ही सही बिहारी जी जैसे गादीपति के अहंकार को धूल में मिला दिया। ऐसे अनेक उदाहरण है बीतक में। मंदसौर उदयपुर से जब बाईजूराज चली थी तो उनकी साड़ी भी फटी हुई थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। अभाव में भी उन्हें लग रहा है कि हमें जीवन का कितना बड़ा भाव, जीवन में कितना रस, जीवन में कितना आनंद मिल रहा है। आपकी शोभा भोजन पकाने, साजो श्रृंगार और केवल घर के झगड़ों में नहीं है, जीवन की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। आप त्याग, तप और इन आदर्शों को अपने जीवन में धारण कीजिए।
हो सकता है अस्तित्व आपको भी मौका दे एक तपस्वी को जनने का, एक महान पुरुष को जनने का। गुरुकुल की कन्याएं भी यहां पर बैठी मुझे सुन रही हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि नारी अबला नहीं है, नारी शक्ति है। आप अपनी शक्ति को जानो, अपने सामर्थ्य को जानो। धर्म के नाम पर इस भारत देश में स्त्री को केवल ढोलक बजाने, चिमटा पीटने और नाचने गाने तक सीमित रखा गया है। आज आपके पास मौका है, इस समाज को एक उदाहरण बनकर के प्रस्तुत करो कि एक नारी के अंदर विदुषी बनने का भी सामर्थ्य छिपा है। वो अपने जान से लोगों की दिशा भी बदल सकती है। एक समय इस देश ने ऐसा गौरव देखा था जब गार्गी और मैत्रेयी का जमाना था। महाराजा छत्रसाल ने केसरबाई को ज्ञान का दीपक देकर के नौतनपुरी में ज्ञान के प्रकाश के लिए भेजा था। स्वामी जी ने आपके हाथ में भी ज्ञान रूपी दीपक दिया है। इस दीपक को प्रज्वलित करो, इस दीपक की रोशनी को और बढ़ाओ, तप और त्याग के गुणों को धारण करो और इस दीपक के प्रकाश से इस निजानंद समाज और देश में पहले धर्म के नाम के अंत पर अंधकार को समाप्त करने का प्रयास करो। सभी युवा वर्ग, पुरुष महिला सभी से मेरा यही निवेदन है कि हम सभी अपनी क्षमता अनुसार, हम सभी अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। हमारी अटूट आस्था ब्रह्मवाणी पर हो, हम सृजी के सामने नतमस्तक हो। प्रतिदिन हमारे हृदय में ये भान जरूर हो कि हम कुछ जो हमें प्राप्त हुआ है उस ऋण को चुकाएं। ब्रह्मवाणी के ऊंचे आदर्शों को, इन ऊंचे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे जन जन तक फैलाने का प्रयास करें। मैं यही आशा रखता हूं कि आप सभी मेरे इन वचनों पर विचार करेंगे और जिन महान आदर्शों को हमारे सामने अभी तक में रखा गया है, धर्म के जिन ऊंचे आदर्शों को तारतम्यवाणी विस्तृत व्याख्या कर रही है, हम उन्हें जीवन में अपनाएं। पश्चिम की चकाचौंध, धर्म की आडंबरता, अंधविश्वास, कुरीतियों से ऊपर उठ करके धर्म के वास्तविक स्वरूप को जाने। जो मार्ग हमें ब्रह्मवाणी दिखा रही है, हम उस पर चलें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। नहीं तो क्षण भर की जिंदगी है, आपको लगेगा कि अभी तो समय है, लेकिन पलक झपकते ही बालों में कब सफेदी आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। यही वो समय है जब आपके पास सामर्थ्य है, जब आपके पास ऊर्जा है, जब आपके पास बल है। यदि ऊर्जा को सही दिशा मिली तो वो कल्याणकारी साबित होती है, यदि ऊर्जा को सही दिशा ना मिले तो वो विध्वंसक बन जाती है। हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, उस दिशा में जो ब्रह्मवाणी हमें दिखा रही है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म को मेरा। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।